प्यारे भैया बहन, आज हम लोग मनी चैप्टर को शुरू करते हैं। मनी में क्या करना है, मनी पढ़ना है। मनी में एक्सरसाइज नंबर 49। पहले मनी में हम लोग क्या करेंगे, जब पैसा लिखेंगे तो दो डिजिट में पैसा लिखना जरूरी है। पैसा जब भी होता है दो डिजिट होता है, यानी 99 पैसे तक जाएंगे, 99 के बाद 100 जहां हो जाएगा तो रुपया में बदल जाएगा, यानी 1 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 रुपया। तो हम लोग इसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन जैसे शुरू किया हुआ पैसा रुपया, तो पैसा आप लोग 2-3 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार से हम लोग पढ़ेंगे। राइट इन द फॉर्म ऑफ रुपीज यूजिंग डेसिमल नोटेशन। डेसिमल लगा कर करके आप रुपया और पैसा को लिखे कैसे लिखिएगा? 50 पैसा है, 50 पैसे को कैसे लिखेंगे? तो 50 पैसा जब भी होगा तो रुपीज में डेसिमल के बाद 2 2 लिखना जरूरी है, 2 अंक में होना जरूरी है। तो रुपीज के बाद पॉइंट दिए, पॉइंट 50 लिख दिए, 50 लिख दिए, यानी पैसा हो गया, यानी 0.50। ये हमारा रुपीज में कन्वर्ट हो गया, ये पैसा लिखा हुआ और रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो रुपीज 0.50। 1 रुपये में कितना पैसा होता है सब लोग याद रखेंगे, 100 पैसा, 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज। जब हम लोग पैसा को रुपीज में बदली करना होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे, पैसा को 100 से डिवाइड करेंगे, और जब रुपया को पैसा में बदली करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब 9 पैसे बराबर क्या होगा, 9 पैसे इक्वल टू रुपीज 0। पैसा तो रुपया तो है नहीं, पॉइंट 0 नहीं लिखना पड़ेगा, डिजिट हमको 2 नंबर में। अगर यदि 9 लिख देंगे तो 9 के बाद 1 0 का लगेगा, 90 पैसा हो जाएगा। कितना जाएगा? 90 पैसा, रुपीज 0.09। अब सी नंबर 4 रुपीज 1 पैसा, 1 4 रुपया 1 पैसा कैसे लिखेंगे? तो रुपीज 4.01। उसी तरह से डी नंबर 15 रुपीज 73 पैसे, तो 15 रुपीज 73 पैसे कैसे लिखा गया? रुपीज 15.73। 15.73, ध्यान रखिए ये डेसिमल के पहले वाला रुपया होगा और डेसिमल के बाद वाला पैसा होगा। ज्वाइंट में यहाँ पर ये रुपया लगा हुआ है, ये कंप्लीट रुपया हो, पॉइंट में रुपया दिया हुआ है, एंड रुपीज 15.73। और पॉइंट के बाद ऐसे हम जानेंगे तो पॉइंट के बाद जो भी रंग रहता है वो पैसा कहलाता है। क्या कहलाता है? पैसा। अब रीड द फॉलोइंग, आप देखिए इसको बोला पढ़िए कैसे पढ़िएगा, तो रुपीज 0.07 इसको हम लोग पढ़ेंगे, रुपीज 0.,। ऐसे पढ़ते आ रहे थे ऊपर में से, रुपीज 0.07, रुपीज 0.19, 0.19, रुपीज 5.03, रुपीज 5.03, रुपीज 12.06। 1 2 में बोले रुपीज 12.06, यहाँ 12 पढ़ेंगे, ऐसा नहीं रुपीज 1 2.06 ऐसा मत बोलिएगा, पढ़ने के लिए रुपीज 12.06। यहाँ पर रुपीज 71.35। पॉइंट के बाद वाला को एक एक करके हम लोग को लिखना है, एक एक करके बोलना है, ऐसा नहीं कि 35 बोल देंगे। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। री राइट इन रुपीज एंड पैसे, ये रुपीज में लिखा हुआ है इसमें रुपया अलग कीजिए और पैसा को अलग कीजिए। तो चलिए रुपीज 0.12 एंड रुपीज 0.12 का मतलब क्या हो? रुपया तो आपके पास में है नहीं, केवल पैसा है, तो लिखेंगे 12 पैसा, इतना इक्वल टू 12 पैसा। रुपी लिखने, रुपी 0 एंड 12 पैसा लिखना जरूरी नहीं है। अब रुपीज 1.03 1 रुपी 3 पैसे, 1 रुपी 3 पैसे, 1 रुपया है इसलिए एस नहीं लगाया सर, 1 रुपी 3 पैसे। अब देखिए 90 रुपी 90 पैसे, तो क्या हुआ? रुपीज 90 रुपीज 90 पैसे, ऐसा नहीं कि 90 रुपीज 90 पैसा, ऐसा नहीं बोलेंगे। पॉइंट के बाद पैसा जब लिखेंगे तो कंप्लीट पढ़ेंगे, कंप्लीट बोलेंगे, एंड 90 90 हो गया, 170.39, रुपीज 178.39। तो कैसे लिखेंगे? 178 रुपीज, 178 रुपीज। उसके बाद पॉइंट के बाद जो भी है पैसा हुआ 39 पैसे, 39 पैसे,
इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 49 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सोल्व कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू रुपीस, रुपया में बदली करना है। पहला क्वेश्चन है 5 पैसे, 5 पैसे को रुपया में बदली करना, क्या करेंगे? 5 पैसे इज इक्वल टू रुपीज लिखेंगे और उसको जो नंबर है नंबर लिखेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, यानी पी हटा के रुपीज लगाएंगे और 5 है तो 5 लिखेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको देखिए डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 जीरो है तो क्या आएगा, रुपीज 0.05। उसी तरह 70 पैसे, 70 पैसे, 70 पैसे इक्वल टू रुपीज 70/100। अब देखिए रुपीज कहाँ पॉइंट पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा तो रुपीज 0.70। उसी तरह से 320 पैसे में इसको लोग दूसरे ढंग से बनाएंगे, 320 पैसे बराबर 300 पैसे और प्लस 20 पैसे, 300 पैसे बराबर रुपया 3 बनेगा और 20 पैसे बराबर कितना बनेगा, 0.20 बनेगा। यहाँ पर हम लोग डिवाइड करके दिखाए नहीं है, 100 से डिवाइड करके हमको दिखाना अब यहाँ पर जरूरी नहीं है, तो रुपीज 3.20। अब देखिए डी नंबर क्वेश्चन 1563 पैसे, इतना बराबर क्या हो गया, हम लोग क्या करेंगे 2 डिजिट राइट से हटा लेंगे और उसको 0 ले लेंगे। अब बाद में 2 डिजिट जो रहेगा उसको हम लोग अलग कर लेंगे जो कि पैसा कहलाएगा। 1570 पैसा प्लस 63 पैसा, अब रुपीज 58 बदली हो जाएगा, किसमें रुपया बदल जाएगा, 00 है तो पैसा में बदल जाएगा, रुपया में बदल जाएगा तो 15 रुपये ज्यादा 15 रुपये ज्यादा रुपीज 0.63, जब इसको ऐड कर देंगे रुपीज 15.63। अब यह क्या ऐड कैसे होगा, पॉइंट के बाद पहले 0 है तो 15 हो गया और पॉइंट के बाद 63 है तो पॉइंट के बाद 63 लिख दिए, हम लोग आसानी से काम कर लेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट इनटू पैसा, जस्ट उल्टा, पैसा से रुपया था अब रुपया से पैसा में बदली करना, तो मैं बता चुका हूँ रुपया से पैसा से रुपया में बदली करेंगे तो 100 से डिवाइड और यदि रुपया से पैसा में बदली करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई। अब देख लीजिए पहला क्वेश्चन में 0.09 है तो 0.09 हम लोग रुपया हटा दिए और मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, तो देखिए गुना करने के बाद 9 पैसा होगा। बी नंबर देख लीजिए 0.29, इसको हम लोग 0.29 लिखे 100 पैसे से मल्टीप्लाई कर दे कितना आ गया 29, यानी डेसिमल हट जाएगा यहाँ पर। बी नंबर में 1.09, इसमें मल्टीप्लाई किया 100 से तो 109 पैसा हो गया, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 7080 पैसा हो जाएगा, कंप्लीट है। उसी तरह से हम लोग 30 में ई नंबर 139.93 में हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 13993 पैसे हो जाएगा। उसी तरह से एफ में मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 है तो रुपीज 1/4 बराबर 1/4 × 100 पैसा, तो 4 से 4 25 मतलब कट जाएगा ये 100 25 पैसा। उसी तरह से 3 × 1/10 10 से 30 31/10 एंड 31/10 × 100 पैसा, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 31 पर 10 मल्टीप्लाई हो गया 310 पैसा हो गया। इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 49 हम लोग सोल्व कर लिए, इसे अच्छी तरह से देखेंगे समझेंगे और अपनी कॉपी में फेल करेंगे। ओके, थैंक यू।